हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरे रेसिपी में है सेवई, और मैं सेवई बना रही हूँ भगवान जी के लिए, जो कि सावन सोमवार के लिए मैंने बनाया था। और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा वगैरह किया, और ये मेरा ब्लॉग है तो रेसिपी और साथ में हमारा पूजा वगैरह मैंने सब कुछ दिखाया है। तो जय भोलेनाथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ के नाम से रेसिपी बनाना। तो यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई गरम कर लिया है, और मैंने 2 चम्मच यहाँ पे घी ऐड कर दिया। तो ये होममेड घी है। होममेड घी मैं सारा चीज़ भगवान का अलग से ही लेती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है, जो कि मेरा किचन में यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जो ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने सारा चॉप करके रखा हुआ था, काजू, किशमिश, बादाम और डेट्स मैंने अच्छे से इसे चॉप करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने उसे रोस्ट कर लिया है 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे उसी घी में मैं यहाँ पे 4 इलायची तोड़ करके ऐड करती हूँ। फिर इलायची जैसे ही थोड़ा सा हल्का फ्राई हो जाए, यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 लीटर दूध। तो हस्बैंड ने बोला कि जब भगवान के लिए बना रहे हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही बना दो। तो आसपास में भी मैंने नेबर्स को भी दिया है, और हस्बैंड ने बोला कि टिफ़िन में भी लेके जाना है मुझे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए ज़्यादा ही बना देते, तो इसलिए मैंने 1 लीटर दूध से बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे और इसे ना बॉयल आने के लिए देंगे। तो जैसे ये बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इसे हम लोग कम से कम थोड़े देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए, इसलिए हम लोग मीडियम फ्लेम में ना इसे हम लोग बॉयल कर लेंगे, तो थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाएगा। वैसे भी ये अच्छा फुल फैट दूध था, तो वैसे ही बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है। तो देखिए थोड़ा सा दूध है ना जो गाढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। तो आप लोग यहाँ पे दूध पाउडर भी 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद में फिर मैं इसे ना बॉयल कर ले रही हूँ। तो बॉयल करने के बाद फिर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद यहाँ पे जो पतले वाले सेवई होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे तोड़ लिया था, और मैंने उसे तोड़ करके यहाँ पे ऐड कर लिया है 1.5 बाउल। तो 1 लीटर के हिसाब से मैंने 1.5 बाउल ऐड किया था, और यहाँ पे मैंने 1 कप जितना यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया। तो चीनी अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, कम ज़्यादा जितना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है, और बॉयल करना है कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ना, तो इस तरीके से गाढ़ा सा कंसिस्टेंसी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। मिक्स करते रहना है बीच बीच में, न तो नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम गाढ़ा सा जो कंसिस्टेंसी है ना, वो यहाँ पे आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे फ्लेम ना ऑफ कर देंगे। तो देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा, एकदम देखिए एकदम बहुत ज़्यादा दिखने में ही एकदम टेस्टी है। तो मेरे भगवान जी तो बहुत खुश हुए होंगे। और सावन सोमवार और मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेम डे पे पड़ा था, तो मेरे भोलेनाथ भी खुश हो गए खा करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए निकाल लिया है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका कंसिस्टेंसी। इतना अच्छा, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा कंसिस्टेंसी आया है, और टेस्ट इतना अच्छा था ना, एकदम क्रीमी क्रीमी वाला टेस्ट था। हम लोगों को जो मलाई है ना, वो साइड साइड से निकालते रहना है, वो मैंने बोलना भूल गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिया है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने पानी और भगवान जी के लिए यहाँ पे भोग लगा दिया है, और यहाँ पे हम लोग, मैं तैयार होने चली गई थी ठंडा करने के रखने के बाद। तो मैं अच्छे से सेवई को मैंने ठंडा कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग तैयार व्यार हो गए थे। यहाँ पे भगवान का आसन मैंने सजा दिया है, तो हमारे भगवान जी भी एकदम सर धज के रेडी है। चलो हमारा पूजा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ, उसके बाद फिर देखिए एकदम सुंदर सा मैंने एकदम आसन सजाया है। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर से सजा करके पूजा करिएगा, और ना मेरी रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पे हस्बैंड और अनु ने भी पूजा कर लिया था, और यहाँ पे हमारी छोटी डांस कर रही थी, आरती चल रहा था उसी में डांस कर रही थी। तो यहाँ पे रिव्यू सुन लेते हैं, खूब एंजॉय कर रही है। चलो अच्छा कम बेटा ए जी ये ढिंक चिका ढिंक चिका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बर्थडे बॉय का, आज लास्ट बर्थडे खत्म। चलिए टाटा कर दो, टाटा बाय कर दो। आज के लिए इतना ही। हम लोग मंदिर भी गए थे, लेकिन मैं हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और थोड़ा भीड़ भी था, तो वीडियो वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा। टाटा।